हरियाणा में हाल ही में एक महिला कोच ने मौजूदा खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी हरियाणा सरकार से चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी से गुजारिश है कि एक निष्पक्ष जांच को जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक SIT का गठन करा जाए। हमारी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक महिला कोच की पर्सनल और प्रोफेशनल, उनकी निजी और उनकी जो है काम से जुड़ी हुई हर सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि नैतिकता के आधार पर जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक मामले के सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, कोई फैसला या निष्कर्ष नहीं पहुंचा जाता, तब तक हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अगर बाहर रहेंगे तो किसी ना किसी तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें। हमारी सरकार से गुजारिश है कि पूरे दुनिया में हमारा जाने वाला, खेलों में अपनी प्रतिभा के लिए जाने वाला हमारा प्रदेश हरियाणा, आज यहाँ की एक महिला, एक हमारी बेटी ने जो आज इल्ज़ाम लगाया है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है। इस मामले के जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, सरकार महिला के पक्ष में ज़रूर नज़र आए और उनके लिए हर उनका हक सुनिश्चित करने के लिए हर बात करे। अभी महिला आयोग की जो हमारी हेड कर रही हैं, उन्होंने मीडिया के आगे एक बयान दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये बातें सच्ची हैं, और बड़े दुख की बात है कि जो शिकायत करता है उससे बात करे बिना, उससे बात करने से पहले उन्होंने ये धारणा अपने मन में बना ली। उनकी बातों से ये भी जाहिर हुआ कि शिकायतकर्ता से बात करने से पहले उन्होंने जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करी है। साफ है अगर इस ख्याल से कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उतरेगा, ना तो वो पीड़ित को या शिकायतकर्ता को इंसाफ दिला सकता है, ना उसकी लड़ाई लड़ सकता है। हमारी सरकार से गुजारिश है सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस आने वाले समय में इस जांच के अंदर जो है शामिल होंगे, आप सब से गुजारिश है कि हरियाणा के मान सम्मान की, हमारी बेटी की इज्जत की और हमारे खेलों की बात है, इसके अंदर निष्पक्षता रहे और न्याय ज़रूर हो। हरियाणा में हाल ही में एक महिला कोच ने मौजूदा खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी हरियाणा सरकार से चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी से गुजारिश है कि एक निष्पक्ष जांच को जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक SIT का गठन करा जाए। हमारी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक महिला कोच की पर्सनल और प्रोफेशनल, उनकी निजी और उनकी जो है काम से जुड़ी हुई हर सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि नैतिकता के आधार पर जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक मामले के सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, कोई फैसला या निष्कर्ष नहीं पहुंचा जाता, तब तक हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अगर बाहर रहेंगे तो किसी ना किसी तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें। हमारी सरकार से गुजारिश है कि पूरे दुनिया में हमारा जाने वाला, खेलों में अपनी प्रतिभा के लिए जाने वाला हमारा प्रदेश हरियाणा, आज यहाँ की एक महिला, एक हमारी बेटी ने जो आज इल्ज़ाम लगाया है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है। इस मामले के जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, सरकार महिला के पक्ष में ज़रूर नज़र आए और उनके लिए हर उनका हक सुनिश्चित करने के लिए हर बात करे। अभी महिला आयोग की जो हमारी हेड कर रही हैं, उन्होंने मीडिया के आगे एक बयान दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये बातें सच्ची हैं, और बड़े दुख की बात है कि जो शिकायत करता है उससे बात करे बिना, उससे बात करने से पहले उन्होंने ये धारणा अपने मन में बना ली। उनकी बातों से ये भी जाहिर हुआ कि शिकायतकर्ता से बात करने से पहले उन्होंने जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करी है। साफ है अगर इस ख्याल से कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उतरेगा, ना तो वो पीड़ित को या शिकायतकर्ता को इंसाफ दिला सकता है, ना उसकी लड़ाई लड़ सकता है। हमारी सरकार से गुजारिश है सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस आने वाले समय में इस जांच के अंदर जो है शामिल होंगे, आप सब से गुजारिश है कि हरियाणा के मान सम्मान की, हमारी बेटी की इज्जत की और हमारे खेलों की बात है, इसके अंदर निष्पक्षता रहे और न्याय ज़रूर हो।